मैं डॉक्टर पवन कुमार, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, आजकल लीलावती हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पिछले और दूसरे भी जो बॉम्बे के, मुंबई के प्रतिष्ठित चिकित्सालय हैं, पिछले 27 वर्ष से मुंबई में हार्ट सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन 25 वर्ष के दौरान मैंने तकरीबन 12,000 से ऊपर हार्ट ऑपरेशंस किए हैं और लाखों की तादाद में हृदय के मरीजों का इलाज किया है, परीक्षण किया है और देखा है। अब जैसे, और मैं आज यहाँ पर आकर के बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर के मैं अपने 27 वर्ष के जो विशेषज्ञता मैंने हासिल की है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर पाऊँगा। मेरे इस एक्सपीरियंस का, मेरे इस एक्सपर्टीज़ का जो मैं गाइडेंस दे पाऊँगा जो जवान लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है या जिन्हें हृदय की बीमारी है, उन सबको ये गाइडेंस बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक जवान उम्र का सवाल है या जवान व्यक्ति का सवाल है, जवान आप किसे कहेंगे? जवान तो 30 वर्ष का भी हो सकता है या जवान 65 वर्ष का जो व्यक्ति है वो भी अपने आप को जवान मानता है, या दिल से या शरीर से। पर हृदय की बीमारी, दिल की बीमारी इस उम्र के बीच में, 30 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में काफ़ी तादाद में देखी जा रही है। इसमें मेनली हार्ट अटैक डिसीज़ है, दिल के दौरे की बीमारी आजकल बहुत हो रही है। 15 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। 15 वर्ष पहले हृदय की बीमारी, दिल के दौरे की बीमारी 60 वर्ष के ऊपर या लेट 50s में देखी जाती थी। पर चूंकि अब आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड ईटिंग, अर्बन लाइफ स्ट्रेस, इन सब कारण से जो उम्र है वो घटती चली जा रही है। मतलब ये कि 30 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की उम्र के अंदर भी हार्ट अटैक की बीमारी लोगों को हो रही है। आपका प्रश्न ये है कि क्या ऐसी कोई हार्ट अटैक प्रूफ लाइफस्टाइल है? तो मेरा जवाब यह है कि ऐसा कोई हार्ट अटैक प्रूफ लाइफस्टाइल नहीं है। यदि आपकी फैमिली में या आपकी जीन्स में ही हार्ट अटैक बीमारी लिखी हुई है तो आपको हार्ट अटैक आएगा ही। आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसे कुछ डिले कर सकते हैं या उसके जो कारण जो डैमेज हो रहा है, जो आपको क्षति, आपके हृदय को जो क्षति पहुंचेगी उसको आप कम कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपने रिस्क फैक्टर्स जानना ज़रूरी है, उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर्स क्या हुए? रिस्क फैक्टर्स हुए जो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है और हैवी जंक फूड है, जैसा मैंने आपको पहले बोला। अपनी जो जीवन शैली है उसे परिवर्तित करके अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें कम करके, और आप यदि आप ठीक ढंग से बिहेव करें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो मेरा ये मानना है कि आप हार्ट अटैक बीमारी से काफ़ी हद तक के निजात पा सकते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हार्ट अटैक बीमारी के? जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है मॉडिफाइबल, जो बदले जा सकते हैं, और एक है अनमॉडिफाइबल, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला, शराब का पान, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, देन जंक फूड, फास्ट फूड एंड बेट समय खाना खाना, और टाइप ए पर्सनालिटी। और दूसरी तरफ है अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स विच आर डायबिटीज़, मधुमेह जिसे बोलते हैं हिंदी में, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, और महिलाओं में ये 45 वर्ष तक के देखा गया है, जब तक कि उनके मासिक धर्म चलता रहता है, जो हार्मोन्स हैं वो उनके हृदय की सुरक्षा करते हैं हार्ट अटैक आने से। और 45 वर्ष के बाद में उन्हें भी उतने ही अनुपात में हृदय की अटैक की बीमारी आ सकती है। और आखिर में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो अनमॉडिफाइबल है, वो है जीन्स, आपकी जीन्स। यदि जीन्स ही मॉडिफाइड हैं या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, वो रन कर रहा है, तो आपको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जहाँ तक टाइप ए पर्सनैलिटी का सवाल है, क्या होती है टाइप ए पर्सनैलिटी? टाइप ए पर्सनैलिटी वो होती हैं जो हमेशा ही भागते रहते हैं, जो हर एक गोल के पीछे, जो उन्हें कभी मिलना नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। इन ऐसी पर्सनैलिटी में क्या होता है कि इन्हें
जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में पाई जाती है, वहाँ से एक विशेष हार्मोन कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता रहता है। वो हार्मोन इन्हें फ्लाइट या फाइट, जो इन्हें लड़ाई के लिए तैयार करता रहता है शरीर को, या भागने के लिए तैयार करता रहता है। इसके कारण से ये एक हमेशा अनसेटिस्फाइड, बगैर संतुष्ट हुए, असंतुष्ट ही जीते हैं। हर जगह गलतियां निकालना या हर जगह अपने रिजल्ट को पाने के लिए किसी भी तरह की जोखिम में लेना, इस तरह के जो पर्सनालिटी होती है वो टाइप ए पर्सनालिटी होती है। अब इस पर्सनालिटी में क्या होता है कि हार्ट भी, हृदय भी, दिल भी उतनी तेज़ी से काम करने लगता है, तो आपके दिल की गति बढ़ जाती है और जो कोरोनरी धमनियां हैं जो रक्त संचार करती हैं हृदय की मांसपेशियों को, उन्हें भी डैमेज होने का काफ़ी हद तक के चांस हो जाता है। इसके कारण से इन्हें जल्दी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। असल में टाइप ए पर्सनालिटी को टाइप बी पर्सनालिटी में बदला जाना चाहिए। मतलब यह है कि जो दिमाग से जो ये हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, यदि वो हार्मोन से सीक्रेट होना कम हो जाएं, तो ऐसे मरीजों को, ऐसे व्यक्तियों को हृदय की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी हद तक के कम होने के चांसेस हैं। आपने पूछा कि बाईपास सर्जरी, कोरोनरी बाईपास सर्जरी ही एक हार्ट अटैक बीमारी का सही सिर्फ ट्रीटमेंट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक भ्रांति है। हर हार्ट अटैक के मरीज की बाईपास सर्जरी नहीं की जाती। ओनली सिर्फ 5-10% लोगों को ही कोरोनरी बाईपास सर्जरी की दरकार होती है। 50-60% मरीज तो डाइट कंट्रोल, आहार में बदलाव से, या आपकी जीवन शैली के परिवर्तन से, या दवाइयों के उपयोग से ही ठीक हो सकते हैं और रहते हैं। तकरीबन 30-40% लोगों का इलाज एंजियोप्लास्टी या स्टेंट इम्प्लांटेशन से हो जाता है। सिर्फ 5% लोगों को ही बाईपास सर्जरी की दरकार होती है। अब ये 5% मरीज कौन से हैं? ये 5% मरीज जो होते हैं वो उनकी जांच के द्वारा जब पाया जाए, जांच कौन सी? कोरोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा, इनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई और उसमें यह पाया गया कि उनकी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोरोनरी आर्टरीज़ में 3 से ज़्यादा नसों में अवरोध है, ब्लॉक्स हैं, उन्हें ही कोरोनरी बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। या फिर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होगी, उन्हें भी कोरोनरी बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। और जिन्हें डायबिटीज़ है और 3 से ज़्यादा नसों में ब्लॉकेज है, उन्हें ही कोरोनरी बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। या जिनका हृदय हार्ट अटैक आने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, जिनकी पंपिंग क्षमता 40% से कम हो गई है, उन्हें भी बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। क्योंकि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में पाया गया है कि इन केसेस के अंदर कोरोनरी बाईपास सर्जरी एक अच्छा उपाय है इलाज का, बनिस्बत मेडिकल मैनेजमेंट के या एंजियोप्लास्टी के। आजकल ये देखा गया है कि मरीज अपने जो बीमारी है उसको निग्लेक्ट करते हैं और एक बार हार्ट अटैक आ जाता है, दूसरी बार हार्ट अटैक आ जाता है। क्या होता है कि जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें मधुमेह है, उन्हें चेस्ट पेन नहीं होता, तो उसके कारण से उन्हें मल्टीपल हार्ट अटैक आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। और हर बार हर हार्ट अटैक के अंदर हृदय की पंपिंग क्षमता घटती चली जाती है। नॉर्मल हृदय की जो क्षमता है वो 60% से ऊपर होती है, जो घट करके एक अटैक के अंदर 20% घटी तो 40% हुई, फिर घटी तो 30% हुई, फिर घटी तो 20% हुई। तो ऐसे मरीज जिनकी हृदय की पंपिंग क्षमता 20% या उसके आसपास है, तो क्या उन्हें क्या इलाज दिया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आजकल काफ़ी बार हमें इस तरह के ओपिनियन मांगे जाते हैं। ऐसे मरीजों के अंदर हम एक विशेष टेस्ट करते हैं, एक परीक्षण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हर हार्ट अटैक के बाद में हृदय की पंपिंग क्षमता घटती चली जाती है। तो 50% से घटकर 30% हुई, फिर 25% हुई, दूसरा हार्ट अटैक आया। तो ऐसे मरीजों में ये प्रश्न उठना लाजमी है, क्या इन्हें बाईपास सर्जरी के लिए का उपाय है या नहीं है? इसके लिए हम लोग एक परीक्षण करते हैं जिसे हम बोलते हैं पैट सीटी स्कैन या थैलियम स्कैनिंग। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि जो मांसपेशी जिन्हें हम मरा हुआ, मृतप्राय समझते हैं, क्या उनमें जान डाली जा सकती है नया रक्त संचार दे करके, नया ब्लड सप्लाई दे करके। इस परीक्षण से पता चलता है, यदि ये परीक्षण पॉजिटिव आता है तो ऐसे मरीजों का कोरोनरी बाईपास सर्जरी ही एकमात्र उपाय है।
ऐसे वैसी मेरी बहुत बड़ी सीरीज है जिन्हें जिनका हार्ट पंपिंग 20% या 25% होता था, और हर जगह से डॉक्टर्स को भी इतना ज्ञान नहीं था, वो बोलते थे कि आप मेडिकल मैनेजमेंट करिए, आपकी सर्जरी बहुत हाई रिस्क होगी। ऐसा कुछ नहीं, आज की तारीख में ऐसे मरीज का भी कोरोनरी बाईपास सर्जरी से हम सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। 20% हृदय की क्षमता क्या होती है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज नॉर्मल हृदय की पंपिंग क्षमता क्या हो। नॉर्मली हृदय की पंपिंग क्षमता को हम परसेंटेज में नापते हैं। 50% की क्षमता वाला हृदय पंपिंग एक्शन मींस हृदय की यदि 100% साइज है तो उसकी साइज घट के यदि 50% हो जाए, दैट इज उसे हमें 50% की क्षमता वाला या नॉर्मल कंट्रैक्टिलिटी वाला संकुचन क्षमता वाला हृदय बोलेंगे। इसे इसमें यदि कुछ संकुचन कम हो, 40% हो या 30% हो या 20% हो, वो कब होगा, जब हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो कम काम करेंगी, उसे हम बोलेंगे 30% कॉन्ट्रैक्टिलिटी या 20% कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नॉर्मल हृदय क्षमता 50% से ऊपर मानी जाती है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी और CABG ऑपरेशन, हृदय का जो ऑपरेशन है हार्ट अटैक के लिए, ये आज की तारीख में बहुत ही सफल ऑपरेशन में माना जाता है। मेरे खुद के 27 वर्ष के अनुभव में, जिसमें मैंने तकरीबन 12,000 से ज़्यादा कोरोनरी बाईपास सर्जरी हार्ट ऑपरेशन किए हैं, सक्सेस रेट इज़ अबव 99%, 99% से ऊपर सफलता प्राप्त की है। और जबकि ये भी बताना उचित होगा कि पिछले 2 वर्ष में कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी ऑपरेशन के क्षेत्र में तकरीबन 100% सफलता प्राप्त हुई है। ये सफलता बेसिकली गुड टीम, अच्छा अस्पताल, अच्छी ICU, अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर डिपेंड करती है। साथ में आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी मायने रखता है। इनके द्वारा ही हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोरोनरी बाईपास सर्जरी को भी सफल रूप में कर सकते हैं। हमारे देश में फिलहाल 3 से 4 लाख मरीजों का कोरोनरी बाईपास सर्जरी शल्यक्रिया होती है, और ये आगे ही बढ़ रही है क्योंकि हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नंबर भी, ये संख्या भी USA के मुकाबले काफ़ी कम है, जहाँ पर हमसे ज़्यादा मरीजों के ऊपर कोरोनरी बाईपास सर्जरी होती है। और जापान सर्जरी के छोटे से देश में भी हमारे देश से ज़्यादा कोरोनरी बाईपास सर्जरी ऑपरेशन होता है। ये बाईपास सर्जरी ऑपरेशन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, उम्र हमारी देश में जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है, और साथ में कई मरीजों का जिन्हें एंजियोप्लास्टी की जाती है उनके स्टेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं कुछ समय बाद, उनकी भी बाईपास सर्जरी, उन्हें भी बाईपास सर्जरी की दरकार होती है। तो ये ऑपरेशन हमारे देश में आगे और बढ़ेगा ही। अब ऐसा है कि मेरा 27 वर्ष का अनुभव हो गया इतना एक्सपीरियंस के साथ में, अब हमारे पास, चूँकि मैं एक टर्शरी सेंटर में काम करता हूँ, तो हमारे पास में तो कॉम्प्लेक्स केसेस ही आते हैं, और जो काफ़ी रिजेक्टेड हैं या जिन्हें बोला गया है तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही केसेस हमारे पास में आते हैं। फिर भी मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक मरीज का जिन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था जबलपुर में, और इस मेजर हार्ट अटैक के कारण से उनके हृदय में होल हो गया था, दिल में सुराख हो गया था। तो ऐसे केस को, उनका जो हेमोडायनेमिक स्टेटस था वो बहुत ही ख़राब था, पेशाब आना बंद हो गई थी, ब्लड प्रेशर भी डाउन था, ऐसे में उन्हें हमने एयर एम्बुलेंस के द्वारा जबलपुर से मुंबई शिफ्ट किया, ICU में एडमिट किया, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉर्ट आउट करने के बाद में उनका हार्ट का ऑपरेशन, कोरोनरी बाईपास सर्जरी किया, और हृदय में, दिल में जो होल हो गया था उसे भी रिपेयर किया गया। ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो आज मुझे याद आते हैं। हृदय का ऑपरेशन, कोरोनरी बाईपास सर्जरी या दूसरी भी जितनी भी हृदय की शल्यक्रियाएँ हैं, ये एक पार्ट होता है सक्सेसफुल ऑपरेशन का। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को, अपने जीवन शैली को, अपनी दवाइयों को समय पर लें, जीवन शैली को बदलें और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। इनके द्वारा ही ऑपरेशन की सफलता जानी जा सकती है। मेरे अनुभव में और मेरे पास ही 10 वर्ष से या 15 वर्ष तक के लंबे लॉन्ग टर्म रिजल्ट वाले, जो आज भी
मेरे स्वयं की सीरीज़ में से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका मैंने ऑपरेशन 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले किया था, वो आज भी जीवित हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और पर हाँ, एक बात खास है, उनके अंदर उन लोगों ने अपनी जीवन शैली बदली, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया, अपनी दवाइयों को समय पर लेते हैं और बराबर फॉलोअप करते हैं। इसके कारण से ही ऑपरेशन की सक्सेस जानी जाती है। हार्ट अटैक से बचने के लिए या नहीं आने के लिए सबसे पहले अपने रिस्क फैक्टर्स को जानिए, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, डॉक्टर की सलाह लीजिए और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें मिनिमाइज़ करिए, कम से कम करने की कोशिश करिए, जीवन शैली में परिवर्तन करिए और एक्सरसाइज करिए। रोज के अपने नियम पाबंद के हिसाब से आपको 20 मिनट से 40 मिनट तक के एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, ये एक्सरसाइजेस आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, स्विमिंग हो सकती है, क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ना हो सकता है। पर ये एक्सरसाइजेस सडनली ना करें, आप उसके पहले शरीर को का वार्म अप करें, छोटी छोटी एक्सरसाइज करके फिर एक्सरसाइज को लेवल बढ़ाते जाएं। और लेवल कितना बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे आप टू अचीव आपका जो टारगेटेड हार्ट रेट है वहाँ तक के हार्ट रेट को ले जाना चाहिए, या उसके 80% से 90% तक के ले जाना चाहिए। टारगेटेड हार्ट रेट कैसे जाने, एक बहुत ही सुलभ फार्मूला है, 220 में से यदि आप अपनी उम्र का नंबर घटा दें तो जो संख्या आएगी वहाँ तक के आपके हार्ट रेट पहुँचनी चाहिए, उतनी एक्सरसाइज की जाए। जैसे आपकी उम्र यदि 50 वर्ष है तो 220 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा 170, तो आपकी हृदय की गति, दिल की लय, नाड़ी जो है वो 170 तक पहुँच जाए, इतनी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए बेस हार्ट रेट से ऊपर बढ़ करके। और उसके बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड रखें और धीरे धीरे उसको कूलिंग ऑफ करके इतनी एक्सरसाइज आपको इस ढंग से करनी चाहिए। आपके हृदय की स्वास्थ्य डिपेंड करता है कि आप अपने हृदय की बीमारी को जानें, आपके हृदय किस बीमारी से ग्रस्त है, उस बीमारी के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको जानने के बाद में ही, उनका परीक्षण करने के बाद में ही आपको सलाह दी जाएगी कि अपने रिस्क फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करें, अपनी जीवन शैली को कैसे बदलें। इनके द्वारा ही आप अपने हृदय का स्वास्थ्य वापस प्राप्त कर सकते हैं और आपका हृदय हमेशा मुस्कुराता रहेगा। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप अपने हृदय को लोड ना करें। किन चीज़ों से लोड ना करें, खराब खाने से, वसायुक्त वाला जो खाना है उससे लोड ना करें, कार्बन मोनोऑक्साइड से लोड ना करें, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है स्मोकिंग से, और उसको लोड ना करें अतिरिक्त नमक से, अतिरिक्त शक्कर से, शुगर से, उससे लोड ना करें, और साथ में ही उस हृदय को एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस से भी लोड ना करें बगैर जाने हुए कि आपको कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक्स हो सकते हैं। आजकल ये बहुत देखा गया है कि लोग बाग फैशन में जिम जाते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करते हैं, उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उनने वार्म अप नहीं किया, उनने अपनी कोरोनरी आर्टरीज की चेकअप नहीं कराई और उसके दौरान ही एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस को करने लगे, जिसके कारण से कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस जो रहते हैं उनमें वहाँ पर क्लॉट बन जाते हैं और उन्हें सडन हार्ट अटैक आ जाता है, या उनके हृदय की जो रिदम है वो बिगड़ जाती है, इसके कारण से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके लिए आप अपने हृदय को जानें, उसके बाद में एक प्रॉपर क्रमबद्ध गाइडेड एक्सरसाइजेस करें तो ही आपका हृदय सुरक्षित रहेगा। दिल का दौरा जो शब्द है ये बहुत ही डर उत्पन्न करता है आजकल के ज़माने में। मेरा ये कहना है कि आप अपने हृदय को जानें, अपने शरीर को पहचानें, दिल की बीमारियों के बारे में जानकारी रखें, अपने रिस्क फैक्टर्स को जानें, और यदि आपको हृदय की ऑपरेशन की ज़रूरत है या बताई गई है तो ज़रूर अपना ऑपरेशन कराएं, क्योंकि जब तक के आप अपना इलाज नहीं कराएंगे भय मुक्त होकर के नहीं जी पाएंगे। हृदय के दौरे, दिल के दौरे का जो भय है उसको जीतने के लिए आपको इस भय से मुक्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि भय के आगे ही जीत है।